मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि इस कथा को सुनने से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए सुनते हैं। मित्रों, एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के औलहानों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे और भागते भागते श्री कृष्ण जी एक कुम्हार के पास पहुँचे। मित्रों, कुम्हार तो अपनी मिट्टी घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को आता हुआ देखा तो बहुत ज़रा प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ज़रा क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा लो। मित्रों, तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया और कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहाँ आ गईं और कुम्हार से पूछती हैं, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने नहीं देखा है। श्री कृष्ण ये सब बातें एक बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। मित्रों, कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। मित्रों, प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। मित्रों, कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहता है, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपकर बैठे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है, मेरे इन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। मित्रों, प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वो ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के इस बीच के संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे, बस ये वचन और दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूँ। मित्रों, कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत ज़रा खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला और उनके चरणों को प्रणाम किया और प्रभु श्री कृष्ण के चरण धोए और चरण अमृत पिया और अपनी पूरी झोपड़ी में चरण अमृत का छिड़काव किया और प्रभु को गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचिए और देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा सकते थे तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, कोई कितने भी यज्ञ कर ले और कितना भी अनुष्ठान कर ले और कितना भी दान कर ले, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात के लिए प्रेम नहीं होगा प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते।